यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी की बैठक और प्रेस वार्ता हुई संपन्न। यहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाकांत पांडे ने बढ़ती महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी, बढ़ रहे अपराध, किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। पार्टी ने किसान बिल का विरोध करते हुए कहा कि किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया गया तो राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। इस आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाकांत पांडे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अर्जुन शर्मा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा आनंद पांडे, अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आलोक सक्सेना प्रत्युष गुप्ता की आदि लोग उपस्थित रहे। सर्कल का बयान मैंने ये देखा, केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज में उन्होंने ये बयान दिया कि गलत बयान है। 5 साल जो संविदा की सरकार, 5 साल की डेट में जो बेरोजगारी के लिए मुद्दा उठाया गया है, ये गलत है। इस विषय पर सर आप क्या कहना चाहते, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग पे तो ये हाईलाइट है ना कि आज की डेट में जिन लोगों को जो है सरकारी नौकरी मिलेगी, पहले 5 साल तक उन्हें सफर करना होगा। इस विषय पर सर आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वर्तमान सरकार से, सर आर्थिक चेहरा लेकर के काम नहीं होता। आप एक तरफ कहते हैं कि ये बयान गलत है, ये विपक्ष की साजिश है, दूसरी तरफ सर कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर के मेन पेज पे यह सूचना निकली थी। कोई भी जनता डायरेक्ट सरकार से पूछने तो नहीं गया था ना, मीडिया के माध्यम से वो सूचना जनता तक आई है। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी मीडिया को गलत साबित करना चाहते हैं? अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो उनका ये बयान गलत है, यानी मीडिया ने जो छापा था, यानी मीडिया को जोर दे रहा है। आपसे बिना पूछे हुए, आपके बिना किसी भी प्रमाणिकता के मीडिया कोई खबर नहीं छापती होगी, और वो भी मेन पेपर के फर्स्ट पेज पे यह खबर थी, जिसकी वजह से आज युवाओं में इतना हलचल मचा है। अब हलचल मचने का परिणाम ये हुआ कि आपको अपना बयान वापस लेना पड़ा। तो आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप विपक्ष के ऊपर दोष नहीं दे सकते। सर, आखिरी सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के मैं कहता हूँ, अभी मैं लखनऊ की बात करूँ तो अभी कुछ घंटे पहले मैंने कवरेज किया, सर एक सवाल है मेरा कानून व्यवस्था को लेकर के। आज की डेट में मैं पूरे यूपी में नहीं, पूरे इंडिया में मैं ये देख रहा हूँ, एक तरफ सरकार ये कहती है कि जो कानून की व्यवस्था है वो कानून की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ रोज डेली बलात्कार हो रहे हैं, रोज डेली चोरियाँ हो रही हैं, और रोज डेली आदमी अपनी बेरोजगारी के चलते, जो पहले के टाइम पर जो है चोरियां होती थी, कहीं शटर का जो है ताला तोड़ दिया जाता था, कहीं शटर काट दिया जाता था, तो आज की डेट में ये हालात फिर से हो चुके हैं। तो इस कानून व्यवस्था के रूप में, कानून व्यवस्था का सुधार के लिए किस तरीके से आप जो है कोई योजना नहीं आती? क्योंकि आज की डेट में मैं जब जाता हूँ तो जितनी भी पुलिस है वो पुलिस ज़्यादातर मामले को सिर्फ ठंडा करने में लगी रहती है, और ये कहती है कि रात भर पुलिस वाले हमारे गश्त करते हैं। अगर पुलिस वाले गश्त करते हैं तो ये चोरियाँ कैसे होती हैं? क्या उनकी आंखों के सामने होती हैं? किस तरीके से इसके विषय में क्या कहना है आपका? सर, सबसे पहले अगर हम प्रशासन की बात करें, ये प्रशासन स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। प्रशासन जो होता है वो सरकार के ही अधीन होता है, सरकार की मंशाओं के अनुरूप जैसा आप उसको ऑर्डर देते हैं वैसा प्रशासन कार्य करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।